नदीम की माँ को अकेला नहीं रहने देंगे। तो ये ये वो चेहरे हैं, इनको पहचान लीजिए जो संघर्ष को जारी करे हुए और आगे भी जब तक नदीम नहीं वापस आता ये चेहरे वो संघर्ष को जारी रखेंगे। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज आप सब लोगों ने दिखा दिया कि नदीम केशु भी आपको इतनी तारों पर आवाज कर सकती है। साथियों, सबसे पहले ग्वाला यूनिवर्सिटी में हमें लगातार ब्याज अच्छी नगर टाइप की थी और वाइस चांसलर जो कि आरएसएस का दिखाया हुआ वाइस चांसलर है वो हमें 11 दिन तक लगातार हमसे बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं हुआ था। और साथियों, जब जब अम्मी ने जब जब हमें याद किया है हम हर पल हर कदम अम्मी के साथ रहे हैं और हम इस बात का भी पूरा विश्वास जताते हैं कि जब तक नजीब को न्याय नहीं मिलता तब तक हम कदम से कदम मिलाकर अम्मी और आपके साथ हैं। और आपसे भी गुजारिश है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये मूवमेंट खड़ा हुआ है आगे चल रहा है उसी तरह आप बदायूं में भी मूवमेंट को आगे बढ़ा के चले। तमाम बातें तमाम संगठनों के द्वारा रखी गई है अब पर उस संगठन बातों को फिर से दोहराऊं तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। और मैं आपसे अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जब इस बदायूं की भूमि पर आए तब आप उसको एहसास दिलाना जब वो इस बात नजीब के इश्यू के ऊपर बात नहीं करता है तो आप एक बार उसका घेराव कीजिए, उसको एक बार रोकिए, उसको इस मुद्दे के ऊपर बोलने के लिए मजबूर कीजिए। इसी के साथ मैं आप लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत धन्यवाद।